हेलो एवरीवन, हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हमने जिस चीज़ को डिस्कस करना है वो हमारे पास है सर्कमफेरेंशियल ग्रोथ। ठीक है, हमने लास्ट में लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ को डिस्कस किया था कि हमारे बोन की लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ कैसे होती है। ठीक है, अब सर्कमफेरेंस में हमारे पास ग्रोथ कैसे होती है बोन्स की, वो हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आ जाती है, लॉन्ग बोन्स ग्रो इन डायमीटर थ्रू आउट मोस्ट ऑफ द लाइफ स्पैन। ठीक है, उन्होंने कहा अब लॉन्ग बोन्स जो है ना वो डायमीटर में ऑलमोस्ट सारे लाइफ स्पैन जो है ना वो ग्रो करती रहती है। ऑल्दो द मोस्ट रैपिड बोन ग्रोथ अकर्स बिफोर एडल्टहुड, मैंने कहा ज़्यादा जो तेज़ी से बोन की ग्रोथ हो रही है ना, मतलब जो सर्कमफेरेंस में हो रही है, जब उनका डायमीटर इंक्रीज हो रहा है, मतलब बोन जो है वो आपके पास चौड़ाई में बढ़ रही है। ठीक है, उस केस में क्या है कि उन्होंने कहा कि उस केस में ये होता है कि रैपिड बोन की जो ग्रोथ है वो अर्ली एडल्टहुड तक या बिफोर एडल्टहुड तक हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है वो थ्रू आउट लाइफ में चलती तो है लेकिन थोड़ा प्रोसेस स्लो हो जाता है। ठीक है, लाइक उस तरह से नहीं होती जिस तरह से प्रॉपरली एक एडल्टहुड से पहले हो रही होती है। ठीक है, द इंटरनल लेयर ऑफ द पेरियोस्टियम बिल्ड्स कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ न्यू बोन टिश्यूज ऑन टॉप ऑफ द एग्जिस्टिंग वंस। ठीक है, अब पेरियोस्टियम क्या होता है कि हमने जैसे लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, पेरियोस्टियम वो वाली कवरिंग है लेयर की जो बोन को कवर कर रही है। ठीक है, अब इस बोन में हमारे पास पेरियोस्टियम में ये देखो, अगर ये आपको नजर आ रहा है ना, पेरियोस्टियम की दो लेयर्स हैं, फाइब्रस लेयर और सेलुलर लेयर। ठीक है, अब ये फाइब्रस लेयर जो है वो सबसे आउटर वाली लेयर होती है। ठीक है, लेकिन जो पेरियोस्टियम की इनर लेयर है जिसको सेलुलर लेयर कहते हैं, इसी लेयर में हमारे पास उन्होंने बात की है कि हमारे पास सेल्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे होते हैं कंसेंट्रिकली। ठीक है, अब जब कंसेंट्रिकली इंक्रीज होंगे तो ये नंबर्स में यूं इंक्रीज हो रहे हैं कि ये अपनी ग्रोथ को बढ़ाएंगे। ठीक है, मतलब आप इसकी चौड़ाई बढ़ते हुए देखोगे। ठीक है, ये यूं मतलब अगर मैं आपको ऐसे समझाऊँ ना, तो ये इस तरह से हमारे पास मतलब एक सेल लगा, ठीक है, फिर सेकेंड वन, देन थर्ड वन। ठीक है, ये इस तरह से इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, ऑन टॉप ऑफ द एग्जिस्टिंग वन, मतलब जो पहले हैं उनमें बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम बोन इज reabsorbed or eliminated around the circumference of the medullary cavity so that the diameter of the cavity is continually enlarged. ठीक है, अब उन्होंने कहा था उसी टाइम में ना कुछ बोन का बोन में reabsorption और कुछ मटीरियल जो है एलिमिनेट भी हो जाता है जब मेडुलरी कैविटी हमारे पास या मेडुलरी कैविटी के एरिया में से, ताकि हमारे पास जो डायमीटर है ना कैविटी का वो आहिस्ता आहिस्ता इनलार्ज हो सके। ठीक है, ये बेसिकली एक साफ सी बात है कि बोन की ग्रोथ और बोन की मतलब बोन के नए सेल्स और बोन के डैमेज, ठीक है, एक साथ चल रहा होता है। हमें ये बात पता है कि हमने पहले भी डिस्कस किया, बोन बन भी रही होती है, बोन टूट भी रही होती है, एक साथ ये प्रोसेस चलता है, तभी हमारे पास बॉडी में नए सेल्स आते हैं और वो उतने बोन को स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सारे प्रोसेस है। दिस अकर्स इन सच अ वे दैट बोथ बेंडिंग स्ट्रेसेस एंड टॉर्शनल स्ट्रेसेस ऑन द बोन्स रिमेन रिलेटिवली कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि ये मोस्ट कॉमनली तब हो रहा होता है जब हमारे पास जो आप बेंडिंग स्ट्रेस या टॉर्शन स्ट्रेस जो है वो कॉन्स्टेंट। देखो, हमारे पास क्या होता है ना कि हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास कोई स्ट्रेस बोन पे लग नहीं रहा। ठीक है, मतलब हम जिस भी पोजीशन में हैं कुछ ना कुछ स्ट्रेस जो होता है वो बोन्स पे लग रहा होता है, लेकिन अगर वो दोनों साइड से कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि हमारे पास बोन जो है वो डैमेज, बोन को डैमेज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन उसके अंदर का जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा, मतलब आप बोन की फॉर्मेशन हो रही है या बोन के सेल्स जो है रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं या बोन के सेल्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं, ये सारा जो प्रोसेस है ये चलता रहेगा। ठीक है, दीज चेंजेस इन बोन साइज एंड शेप आर द वर्क ऑफ स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट और आपको ऑस्टियोब्लास्ट के बारे में, जैसे हम शायद पहले भी काफ़ी बार ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, ऑस्टियोब्लास्ट बेसिकली जो होते हैं ना वो बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, मतलब जो नए सेल्स को बनाते हैं। ठीक है, और ऑस्टियोक्लास्ट वो सेल्स होते हैं जो बोन को ख़त्म करते हैं, मतलब जो पुराने सेल्स हैं उनको रिमूव आउट करते हैं या उनको रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, ये बेसिकली इनका काम होता है ऑस्टियोब्लास्ट का, कि वो नए सेल्स बनाते हैं, लेयर्स में ऐड करते हैं, और ऑस्टियोक्लास्ट का क्या काम है कि वो पुराने सेल्स को वहाँ से रिमूव आउट कर जाते हैं या हमारे पास एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है,
In healthy adult bone, the activity of osteoblast and osteoclast is largely balanced. ठीक है, अब उन्होंने ये बात की है कि हेल्दी एडल्ट बोन में बेसिकली ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट जो होते हैं वो दोनों की एक्टिविटी बैलेंस्ड होती है, तभी हमारे पास पेशेंट्स में ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा. ऑस्टियोपोरोसिस होता ही उन केसेस में जहाँ पे हमारे पास दोनों का जो रेशियो है ना 1:1 का, या दोनों की जो बराबर बैलेंस एक इक्वेशन चल रही थी वो खराब हो जाती है. ठीक है, उस केस में बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस होता है या ऑस्टियोपीना पीनिया होता है. ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली इन्होंने क्या कह दिया सर्कमफ्रेंशियल ग्रोथ के बारे में, बेसिकली आपको बता दिया कि बोन की अब इस तरह से ग्रोथ हमने लॉन्गिट्यूडनल में जो देखी थी वो इस तरह से ग्रोथ देखी थी. ठीक है, अब हमने कैसे देखी सर्कमफ्रेंशियल देखी, मतलब सेल्स यूं ऐड कर रहे हैं ठीक है आपके कैविटी में, और इस तरह से क्या होगा कि कुछ सेल्स नए ऐड होते हैं, पुराने जो होते हैं वो खत्म होते जाते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट ऑस्टियोब्लास्ट काम करते हैं. ठीक है, अब ऑस्टियोब्लास्ट जो है स्पेशलाइज्ड बोन सेल्स है दैट बिल्ड न्यू बोन टिश्यू, हमने जैसे बात की, और ऑस्टियोक्लास्ट वो है जो रिजॉर्व करते हैं. ठीक है, पियोस्टियम डबल लेयर हमारे पास होती है, आउटर लेयर जैसे मैंने बता दिया कि आउटर लेयर जो होती है वो मसल टेनन्स के साथ अटैच होती है, और इंटरनल लेयर जो होती है वो ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी की साइट है, जिसको मैंने आपको पहले बता दिया कि न्यू बोन सेल्स जो होते हैं वो ऐड होते हैं. ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली होगी सर्कमफ्रेंशियल ग्रोथ. ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एडल्ट बोन की डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं लेक्चर शॉर्ट करना चाह रही हूँ ताकि हमारे पास जल्दी जल्दी वाइंड अप हो जाए. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो.